पहले कहा गया था कि कोई नेता कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है, तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। और मैंने सुना भी, कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुंह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है। हमने तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार का संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो अशोक जी की नेतृत्व में बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते ही कार्रवाई करने का समय आ चुका है। दो सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई, उधर आपको तो अनशन से पहले ही एक तरीके से नोटिस, प्री नोटिस दे दिया गया, आपके जो अनशन था उसको एंटी पार्टी बता। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा कुछ, कहीं किसी ने कहा कि कोई पीआईएल हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब, लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच सीबीआई को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट साहब, भरत सिंह कुंदनपुर प्रमोद जैन भाई पे आरोप लगाते हैं, सईम लोढ़ा आरोप लगाते हैं, आपने आरोप लगाया तो उसको पार्टी, अरे भाई वो तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी सरकार के ऊपर, ये कैसे पार्टी का विरोध हो सकता है। और इस पार्टी के लिए तन मन धन से हम लोगों ने काम किया है, मैं तो किसी पद पर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे पार्टी ने कहा तब दुगनी ताकत के साथ मैंने भाजपा का विरोध किया, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, और जो जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, आप सब इस बात के गवाह होंगे, मैंने पूरी तत्परता से ईमानदारी से पार्टी के लिए प्रचार किया, काम किया। लेकिन जो मुद्दा करप्शन का है, जो भाजपा के शासन में हमने एक्सपोज किया था, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है, उसका मैंने उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। आपके जो समर्थक हैं, कुछ विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि पावरलेस हैं मंत्री, पावर शेयरिंग नहीं है सरकार में। देखिए, ये हमारे जो प्रभारी रंधावा साहब बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, मैं समझता हूँ वो जब बाकी सब रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट उनको बनानी चाहिए कि जो जो हमारे मंत्री महोदय हैं या विधायक हैं, और सरकार के नुमाइंदों पर अगर नाना प्रकार के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं उससे मैं समझता हूँ पार्टी सरकार की छवि को शायद ठेस पहुँच सकती है, तो उसका भी संज्ञान लेकर खड़गे साहब और दिल्ली ICC में बातों को पहुँचाना चाहिए, ताकि हम लोग कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। और कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी का चहेता हो, किसी का दुश्मन हो, लेकिन अगर कहीं जांच के बाद तथ्य पाए जाते हैं तो हमें कार्रवाई करने से परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शासक है, जो राज करने वाले लोग हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा, और बिना अपना पराय समझकर हमें कानून अपना काम करता दिखना भी चाहिए। राम प्रचार के लिए जो संगीन मामला है आत्महत्या का, उसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश